दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड को अपने पोर्टल से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस नंबर के द्वारा। पर इस वीडियो में आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कहीं से भी बना हुआ आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी OTP के। मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना ज़रूरी नहीं है, बस कस्टमर को थंब लगाना है और आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं न्यू पोर्टल की मदद से। चूँकि आजकल क्या हो रहा है कि कुछ जो सहिया दीदी हैं, जिसे हम आशा वर्कर भी बोलते हैं, वो जो है घर घर जाके, डोर टू डोर जाके आयुष्मान का जो है KYC या फिर कहे तो आयुष्मान पे जो है लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वैसे लोगों का जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। हम CSA भेजे जिनका नहीं कर पाए हैं या फिर जिनका हाल में राशन कार्ड बना है या फिर नाम जुड़ा है, तो जो छूटे हैं उनको डोर टू डोर जाके आशा वर्कर जो है वो सर्विस दे रहे हैं गोल्डन कार्ड का, और बेनिफिशियरी जो है वो CSE सेंटर पे आके उसे डाउनलोड करा सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए हम आ जाएंगे PMJAY 2.0 के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इस पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन कर लेने के बाद हमें जाना है डाउनलोड एंड डिलीवरी वाले सेक्शन पे, जहाँ पे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो है हमें जो अपना स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, और साथ ही नीचे आधार नंबर पर क्लिक करके हमें आधार नंबर जो है वो टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद देख लीजिए, हमें यहाँ पर चार तरह के ऑप्शन दिख जाते हैं। पहला तो OTP, फिंगर, आइरिस और फेस। तो हम फिंगर पे क्लिक कर लिए हैं क्योंकि हमें फिंगर से डाउनलोड करना है और इसमें OTP का यूज हमें नहीं करना है। बेसिकली गांव में क्या होता है कि बहुत कम ही लोगों का जो है आधार अभी लिंक है मोबाइल से, और ये जो है हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो स्कैन हो रहा है, इसमें थोड़ा समय लगता है। चलिए ये हो गया है, उसके बाद हम स्कैन योर फिंगर पर क्लिक कर लेंगे। हमारा जो मंत्रा डिवाइस है वो जल चुका है और कस्टमर का जो है थंब हमने लगा लिया है। थंब लगने के बाद देखिए यहाँ चेक टिक मार्क आ गया है, हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। नीचे बेनिफिशियरी डिटेल हमें मिल चुका है, साथ ही साथ डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया है, और हमारा जो कार्ड है वो भी डाउनलोड हो गया है डाउनलोड में क्लिक करने के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्ड ब्लर है प्राइवेसी इश्यू के कारण, लेकिन आयुष्मान कार्ड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि बिना OTP के आप केवल फिंगरप्रिंट की मदद से अपने CSE के थ्रू किस तरह से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिर से मिलूंगा किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।